हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो एक अनकंफर्म्ड रिपोर्ट, एक र्यूमर निकल के आ रहा है नए डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड, लेकिन मेरे ख्याल से ये र्यूमर एक सॉलिड र्यूमर है। रिपोर्ट ये है कि मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर सुपरमैन लेगेसी मूवी में नज़र आ सकता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो, जेम्स गन ने जब डीसी स्टूडियोज़ के हेड के तौर पर जब टेक ओवर किया था, तो हम जानते हैं वो डीसी यूनिवर्स का चैप्टर वन डिज़ाइन कर रहे थे, प्लस पैरेलल में वो सुपरमैन लेगेसी की स्क्रिप्ट पे भी वर्क कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मिस्टर टेरिफिक की फ़ोटो उन्होंने अपलोड की थी, तो लोग उम्मीद करने लग गए थे कि भैया मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर डीसी यूनिवर्स का हिस्सा बन के रहेगा। तो उस हिसाब से इस रिपोर्ट की जो चांसेस हैं सही होने की, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर में भी सुपरमैन लेगेसी में नज़र आ सकता है। एक और चीज़ गाइस, आप जानते हैं अमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज सुपरमैन लेगेसी से पहले आएगी, तो अगर अमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज में मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर अपियर हो रहा है, तो 100% चांसेस हैं कि वो सुपरमैन लेगेसी में भी अपियर होगा। तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि हाँ, ये रिपोर्ट सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ, मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर अपियर हो सकता है सुपरमैन लेगेसी में। आप जानते हैं जो हमारा मिस्टर टेरिफिक है, वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का भी मेंबर रह चुका है और उसकी खुद की भी टीम है टेरिफिक्स नाम की। तो अगर सुपरमैन लेगेसी में अपियर हो रहा है मिस्टर टेरिफिक, तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और एक और अपडेट थी जो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। अपडेट ये है कि जो HBO मैक्स ऐप है, यानी वार्नर ब्रदर्स की जो स्ट्रीमिंग ऐप है, जिसका नेम अब चेंज करके केवल मैक्स कर दिया गया है, ये फाइनली अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यानी 2023 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से HBO मैक्स ऐप प्रॉफिटेबल हो चुकी है और ये वार्नर ब्रदर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, नेटफ्लिक्स और हुलू के बाद ये तीसरी ऐसी स्ट्रीमिंग ऐप है जो प्रॉफिटेबल हुई है। और गाइज, मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ पता चली, आप भी थोड़ा सा सरप्राइज होंगे सुन के, कि जो डिज्नी प्लस की ऐप है वो अभी तक प्रॉफिटेबल ही नहीं हुई है। यानी उसने $1 भी प्रॉफिट में जेनरेट नहीं किया है अभी तक डिज्नी के लिए। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ है। हम जानते हैं डिज्नी प्लस पे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक इसने $1 भी प्रॉफिट जेनरेट नहीं किया डिज्नी के लिए। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग न्यूज़ रही मेरे लिए। तो फिलहाल नेटफ्लिक्स हुलू के बाद HBO मैक्स हमारी तीसरी प्रॉफिटेबल ऐप हो चुकी है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के मामले में। और आप जानते हैं इसके पीछे रीज़न ये है कि डेविड जेसलव ने जब टेक ओवर किया था, तो बहुत से हार्ड डिसीजंस उन्होंने लिए थे कि अननेसेसरी शोज़ को उन्होंने कैंसिल किया, ऐसे शोज़ जो HBO मैक्स पे उनको ज़्यादा बूस्ट नहीं दे रहे थे उनको थर्ड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। शुरू में बहुत ज़्यादा उनको बैकलैश फेस करना पड़ा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये, लेकिन उसका नतीजा हमको दिखने लगा और HBO मैक्स फाइनली प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो यही कुछ अपडेट्स थी डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। और डीसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।